नमस्कार साथियों, समाधान के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास यादव, जो आज आप लोगों को एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं समाधान चैनल के जरिए। आपको बता दें कि BBC संवाददाता प्रदीप कुमार के सौजन्य से ये रिपोर्ट आपके बीच हम लोग पेश कर रहे हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के 10 ऐसे फैसले जिनके आईने में इतिहास उन्हें तोलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का। और आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जीवित होते तो 94 साल के हो गए होते। हालांकि वे अब नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी भारतीय राजनीति में हमेशा रहेगी। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी का निधन हो गया था। उनके गुजरने के कुछ महीने बाद अब उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी व्यापक तौर पर मना रही है। केंद्र सरकार ने इस मौके पर वाजपेयी की तस्वीर वाला 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। कभी महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी की भारत राजनीति में सहज स्वीकार्यता के बूते ही बात थी, जिसे भांपते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लालकृष्ण आडवाणी को पीछे रखकर वाजपेयी को आगे बढ़ाना पड़ा था। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक, और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस दौरान उन्होंने ये साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। जाहिर है कि जब वाजपेयी स्थिर सरकार के मुखिया बने तो उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाजपेयी की कुशलता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक तरफ से दक्षिण पंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह रचा बसा दिया जिसके चलते एक दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुमत हासिल कर दिखाया जिसकी एक समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक नज़र बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन फैसलों की जिसका असर लंबे समय तक भारतीय राजनीति पर नजर आता रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के 10 फैसले जिनके आईने में इतिहास उन्हें तोलेगा। बने रहिए समाधान चैनल में और देखिए वाजपेयी जी के 10 ऐसे अहम फैसले जिनके आईने में इतिहास उन्हें तोलेगा। इस अहम कड़ी में पहला फैसला अटल बिहारी वाजपेयी का भारत को जोड़ने की योजना थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज़्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी बना था। उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। हालांकि जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी काफी विरोध किया था। इस अहम फैसले में जो दूसरी शुरुआत कही जा सकती है वो निजीकरण को बढ़ावा एवं विनिवेश की शुरुआत थी। वाजपेयी के प्रधान मंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। वाजपेयी के इस रणनीति के पीछे कॉरपोरेट समूहों की बीजेपी से साठगांठ रही होगी। हालांकि उस दौर में इसे उनके नजदीकी रहे प्रमोद महाजन की सोच का असर भी माना गया था। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया था। इसके मंत्री अरुण सौरी बनाए गए थे। सौरी के मंत्रालय ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। इतना ही नहीं, वाजपेयी से पहले देश में बीमा का क्षेत्र सरकारी कंपनियों के हवाले ही था, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसमें विदेशी निवेश के रास्ते खोले। उन्होंने बीमा कंपनियों में
विदेशी निवेश की सीमा को 26 फीसदी तक किया था, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49 फीसदी तक कर दिया। इन कंपनियों के निजीकरण से नियुक्तियों में आरक्षण की बद्धता भी खत्म हो गई। बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजीकरण को बढ़ाने वाले इस कदम की आज भी खूब आलोचना होती है। आलोचना करने वालों के मुताबिक निजीकरण से कंपनियों ने मुनाफे को ही अपना उद्देश्य बना लिया। हालांकि बाजार के दखल के हरकारे लगाने वालों के लिए इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, लेकिन इन सेक्टर में काम करने वालों के लिए ये बदलाव मुफीद नहीं रहा। ध्यान रहे, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की स्कीम को वाजपेयी सरकार ने ही खत्म किया था, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले पेंशन की सुविधा को नहीं बदला था। तीसरा, संचार क्रांति का दूसरा चरण। भारत में संचार क्रांति का जनक भले राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सेम पितोद्रा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। इसके पीछे भी प्रमोद महाजन का दिमाग बताया गया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ती मोबाइल फोन का दौर शुरू हुआ। हालांकि नई टेलीकॉम नीति के तहत वो दुनिया खुली थी, जिसका एक रूप 2G घोटाले के रूप में UPA कार्यकाल में सामने आया था। नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2000 से 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40 फीसदी बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10 फीसदी के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। नंबर 5, पोखरण का प्रशिक्षण। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया था। यह 1947 के बाद भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण था। वाजपेयी ने प्रशिक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उनके आलोचक इस प्रशिक्षण की जरूरत पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु प्रशिक्षण किया था। प्रसिद्ध लेखिका अरुधंती राय ने आउटलुक के 5 अगस्त 1998 के अंक में परमाणु प्रशिक्षण की आलोचना करते हुए द एंड ऑफ इमेजिनेशन के नाम से एक लंबा आर्टिकल लिखा था। इसमें अरुधिंत राय ने लिखा था, अगर परमाणु युद्ध होता है तो यह एक देश का दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं होगा। हमारा दुश्मन ना तो चीन होगा ना ही अमेरिका, हमारे दुश्मन पृथ्वी होगी, उसके तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, उनका आक्रोश हमारे लिए बेहद खतरनाक होगा। वैसे ये वो दौर था जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये मांग की थी कि पोखरण की रेत को पूरे भारत में प्रसाद के तौर पर बांटा जाए। इसका जिक्र करते हुए अरुधंती राय ने लिखा था कि ये लोग देश भर में कैंसर की यात्रा चाहते हैं क्या। इस प्रशिक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वाजपेयी की कूटनीति कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली थी। साथियों, समय ना रहने की वजह से मैं आपको अगले जो 5 अहम फैसले थे वाजपेयी जी के, वो मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही अगले एपिसोड में 5 और जो फैसले बचे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि BBC संवाददाता प्रदीप कुमार के सौजन्य से ये जो प्रोग्राम है वो आप देख रहे हैं और उसी को हम लोग कह रहे हैं, लेकिन 5 जो और अन्य जो फैसले हैं वो मैं आपको जल्द अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तब तक के लिए बने रहिए समाधान चैनल के साथ, और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में भी हमें बताएं कैसा लगा, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए बने रहिए समाधान चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।